मांग संख्या 46 कृषि और मांग संख्या 47 पशुपालन एवं मत्स्य विभाग पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति जी, किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति आज भी अच्छी नहीं है, हम सबको पता है। किसान का जो दर्द है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। राजस्थान में आज किसान कर्ज की वजह से परेशान है और सरकार कह रही है कि हम किसानों को समृद्ध कर रहे हैं और किसान बजट भी सरकार लेकर आई है, लेकिन हकीकत में स्थिति क्या है? जो बजट में घोषणाएं की है वो खाली घोषणाएं हैं, उनका लाभ धरातल पर किसानों को आज भी नहीं मिल पा रहा है। माननीय सभापति जी, कभी सोचा है एक किसान नहीं होगा तो जिंदगी क्या होगी? ध्यान रहे कि शरीर अत्याचार तो बर्दाश्त कर सकता है लेकिन पेट की भूख नहीं। हर किसान को हमें सम्मान देना चाहिए और किसान को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। सभापति जी, मैं बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र की, कृषि पर आधारित हमारा क्षेत्र है और आज सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है वो अन्नदाता की घटती जोत को लेकर हो गई है। वहीं खेती की लागत में लगातार बढ़ोतरी भी होती जा रही है, छोटी जोत में किसानों का खर्चा निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है। किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन एवं अन्य जो कार्य हैं उनसे भी जोड़ा जाए। बजट में जो योजनाएं लेकर आई है सरकार, मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ हम सदन में बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय है और हमारे माननीय जो सदस्य हैं बार बार केंद्र सरकार की बात ये कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर हम ये पूछना चाहते हैं कि किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है, इसको अगर बताएं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी हैं लेकिन उनको धरातल पर नहीं उतारा गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जो किसान सम्मान निधि योजना लेकर आए, जिन्होंने लघु एवं सीमांत कृषकों की समस्याओं को जानते हुए 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को कृषि के प्रति प्रोत्साहित किए जाने हेतु बुआई से ठीक पहले जो एक नकदी का संकट किसान के सामने आता है, उन किसानों को किसान सम्मान निधि के द्वारा 4 माह के बाद किसानों को सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है जो छोटे किसान हैं। इसी के साथ जो KCC योजना लेकर आए उससे भी किसानों को बहुत लाभ मिला है। तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा तो एक से बढ़कर एक कार्य किसान के लिए किए गए हैं और किसानों को खुशहाल और समृद्ध करने के लिए लगातार हमारी केंद्र की सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन हकीकत में राजस्थान में स्थिति क्या है? कर्ज माफी का वादा करके आज किसानों के साथ जो धोखा किया है वो हम सबके सामने है। अभी मैं बात करूँ मेरे क्षेत्र की, IGNP जो एक महत्वपूर्ण हमारे लिए है सिंचाई पानी का विषय, IGNP नहरबंदी अभी प्रस्तावित है 21 मार्च से, और अगर ये नहरबंदी होती है तो जो पकाव पर हमारी गेहूं की फसल है वो एक पानी के अभाव में ख़राब हो जाएगी। मैं मांग करती हूँ सरकार से कि जो ये नहरबंदी प्रस्तावित है इसको 15-20 दिन के लिए स्थगित करके आगे किया जाए, ताकि किसान की जो फसल है वो समय पर पक कर के अच्छा लाभ उनको मिल पाए। इसी के साथ जो मेरे क्षेत्र में एक समस्या भी सामने आई, सिंचाई विभाग की लापरवाही कहें या कोई और कारण, जो बार बार किसानों को जो पानी दिया जा रहा है वो लेट छोड़ा जा रहा है, उस वजह से अनूपगढ़ शाखा के जो किसान हैं उनकी जो बारियां हैं वो पिट जाती है, समय पे उनको पानी नहीं मिल पाता, इससे उनको बहुत नुकसान होता है, इसकी भरपाई भी सरकार करे। माननीय सभापति महोदय, हाल ही श्रीगंगानगर जिले में 2 दिवसीय अखिल भारतीय रबी तिलहन सेमिनार आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश को सरसों प्रदेश घोषित किए जाने की मांग की गई है, क्योंकि सरसों की फसल कम पानी में तैयार हो जाती है लेकिन सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य
5450 रुपये प्रति क्विंटल होते हुए भी किसान 4000 या 4200 रुपये प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर है। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद नहीं की जा रही है। मेरी मांग है कि समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की जाए। सभापति जी, हम बात करते हैं डिग्गी की। जो डिग्गी निर्माण के लिए ऑनलाइन आवेदन किसानों से मांगे गए थे, ऑनलाइन आवेदन में लॉटरी सिस्टम होने के कारण पात्र व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन लाभ से वंचित है। दोबारा ऑनलाइन आवेदन पर पहले से रजिस्ट्रेशन की सूचना बताने के कारण पुनः रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और समय पर उनको डिग्गी नहीं मिल पा रही है। मैं मांग करती हूँ कि डिग्गी निर्माण का जो अनुदान भी बढ़ाया जाए और इसमें सरलीकरण किया जाए ताकि किसान इसका लाभ उठा पाए। एक बहुत बड़ी समस्या जो हमने देखी, जब फसल बिजाई होती है या फसल तैयार होती है, डीएपी और यूरिया की जो समस्या हमारे सामने है। अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, डीएपी और यूरिया के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही और उसके बावजूद भी उनको समय पर खाद नहीं मिलने के कारण उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं ये बता देना चाहूँगी कि राज्य सरकार द्वारा अभी मांग के अनुसार यूरिया और कि जो डिमांड है वो केंद्र सरकार से नहीं की गई थी, ये हमारे सामने बात आई। तो किसानों की बात करने वाली हमारी सरकार से मैं यही कहूँगी कि किसानों को राहत देने के लिए समय पर उनकी मांग के अनुसार उन किसानों को राहत दी जाए। एक जो भयंकर अभी शीत लहर और पाले के कारण जो फसलें खराब हुई है उसका मुआवजा भी अभी तक नहीं दिया गया है। नाम मात्र की जो गिरदावरी की बात इन्होंने कही है, नाम मात्र का वो मुआवजा, उससे किसान को राहत नहीं मिलेगी। मेरी आपसे ये मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा देकर के उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। इसी में मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि लगभग 2 साल पहले जो नरमे की फसल खराब हुई थी, 12H और 3ND हमारे ऐसे क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा वहाँ नुकसान हुआ था, उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, पेंडिंग है। किस कारण से है उसको भी ध्यान में रखा जाए और उन किसानों को भी राहत दी जाए। अभी जो खेतों में तारबंदी की एक योजना है, 400 रनिंग मीटर की सीमा तक तारबंदी किए जाने पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 48,000 रुपये निर्धारित है, जो बहुत ही कम है। लघु एवं सीमांत कृषक के पूरे खेत की तारबंदी इससे नहीं हो पाती है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि तारबंदी का जो अनुदान है उसको बढ़ाया जाए। इसी के साथ जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है अनूपगढ़ और मेरा जो गंगानगर जिला है, पूरा का पूरा कृषि पर निर्भर है और मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए मांग करती हूँ कि एक एग्रीकल्चर कॉलेज वहाँ खोला जाए ताकि हमारे वहाँ के बच्चे इसका लाभ उठा कर के खेती में जो नई टेक्निक है उसको काम में लेकर के वहाँ के हमारे किसानों को इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ अभी जो गेहूँ की फसल तैयार हो जाएगी, इस समय भी हमारे सामने एक समस्या आती है कि बिजली की फॉल्ट के कारण किसानों की जो फसल है वो जल जाती है और किसान को बहुत इसका नुकसान पूरे तैयार फसल नष्ट होने के कारण होता है। तो उसके लिए भी सरकार उचित प्रावधान लेकर के उन किसानों को भी राहत दी जाए। माननीय सभापति महोदय, जो सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं, किसानों के खेतों में ट्यूबवेल व कुओं पर सोलर एनर्जी पंप लगा रहे हैं। किसानों को 3 या 5-7 HP का जो सोलर एनर्जी पंप लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन सब्सिडी जो है वो समय पर नहीं उपलब्ध हो पा रही है, इसलिए किसान इंतज़ार करते रहते हैं। तो इसमें भी सरलीकरण करके उनको, किसानों को जो सोलर पंप की जो सुविधा है वो समय पर दी जाए। इसी के साथ जो पशुपालन जो विभाग की हम बात कर रहे हैं, अभी जो गाय पर हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, तो मैं बता देना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी गाय पर राजनीति नहीं की है। आप लोगों के पास शायद बोलने के लिए कोई विषय नहीं है, इसलिए बार बार गाय पर बात करके आप लोग अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन गाय के लिए जितना भारत सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है उतना शायद ही आप लोग कर पाए। अभी जो लंपी जैसी बीमारी हमारे सामने थी, हमने देखा कि विधायक कोष से पैसा देने के बाद भी हमें समय पर दवाई उपलब्ध नहीं हुई और हजारों लाखों पशु हमारे मर गए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि
किसानों मेरे क्षेत्र की एक डिमांड है माननीय सभापति महोदय, मैं रखना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में 10 पी के अंदर जो बकरियां मरी थी उनका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। पशुपालन की बात करते हैं, उसका मुआवजा उस किसान को दिया जाए। इसी के साथ पशु चिकित्सा उपकेंद्र जो मेरे विधानसभा क्षेत्र की कई ऐसी पंचायतें जहां नहीं है वहां माननीय सभापति